हे गाइज, मैं हूं ओम प्रकाश और आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट होने वाला है एक आयरन कॉइल के ऊपर होने वाला है दोस्तों। यानी कि हम लोग जिस आयरन से कपड़े को इस्त्री करते हैं दोस्तों, उसके अंदर में किस प्रकार का कॉइल रहता है और कितना ज़्यादा टेम्परेचर पे ये आयरन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, हम उस कॉइल के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों। और लास्ट में फिर हम इस कॉइल के ऊपर में एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। ये रहा देखिए आयरन का कॉइल, मैं ऑनलाइन इसे परचेज किया। देखिए इस तरह का ये आयरन का कॉइल होता है दोस्तों। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए जो एसी करंट होती है डायरेक्ट 220 वोल्ट हम इस पॉजिटिव नेगेटिव वायर में हम कनेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो कॉइल है वो कितना ज्यादा हीट बना रही है दोस्तों। सबसे पहले आयरन के कॉइल में हमें दो वायर कनेक्ट करना है जो एसी करंट इसमें जाएगी दोस्तों। इस दो वायर को देखिए कनेक्ट कर चुके हैं और ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इस आयरन कॉइल के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इसे लगा के देखते हैं। और गाइस ये देखिए सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे स्विच को ऑन करता हूं और ये देखिए ये पूरी तरह से हीट होना स्टार्ट हो गई है। देखिए थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिख रहा है दोस्तों। अगर अभी हम इस पे टच करते हैं तो करंट तो नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि इस आयरन कॉइल के ऊपर जो मैका होती है, मैका के लेयर लगा हुआ है दोस्तों। देखिए इसी के कारण करंट इसके बाहर और इसके अंदर और जो हम लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं उस आयरन में हम लोग को करंट की झटका नहीं लगता है दोस्तों। तो देखिए कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है इसमें। ओह माय गॉड गाइस, बहुत ही ज्यादा इसमें टेम्परेचर हो चुकी है। क्या होगा अगर हम इस कॉइल के ऊपर इस तरह की कट पेंसिल रख दे तो क्या होगा दोस्तों। तो आइए हम इसे देखते हैं कि इसके ऊपर में कट पेंसिल रखने से क्या होता है दोस्तों। तो देखिए ओ माय गॉड, जैसे ही हम कट पेंसिल को रखे दोस्तों और ये पेंसिल जलने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए, मेरे पास एक और पेंसिल है, मैं उसे भी रख कर देखता हूँ कि आखिरकार इस पेंसिल का भी हाल क्या होता है। तो देखिए ओ माय गॉड, मैं इसे रख चुका हूं और गाइस ये जो पेंसिल है बहुत ही ज्यादा जलने लग गई है दोस्तों। देखिए और इसके अंदर में इलेक्ट्रोड है दोस्तों, इलेक्ट्रोड में भी करंट आता है लेकिन इसके ऊपर एक मैका का लेयर लगा हुआ है। इसी के कारण कट पेंसिल का जो इलेक्ट्रोड है उसमें करंट नहीं पास होगी दोस्तों। तो देखिए आइए हम इस पेंसिल को पूरी तरह से हम जला देते हैं और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोड है मैं उसे बाहर निकाल लेंगे। और गाइस ये देखिए पूरी तरह से एक जल चुकी है, इसे मैं बाहर कर देता हूं और ये देखिए जलने वाले ही है, बहुत ही जल्दी जल जाएगी। तो गाइस ये भी पेंसिल जल चुकी है देखिए। तो गाइस आप जान ही गए हैं कि आयरन का जो प्लेट होता है उसमें कितना ज़्यादा टेम्परेचर होती है दोस्तों। मैं फिर से देखिए इस आयरन का कॉइल जो है वो हीट हो चुका है। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें हीट आ चुकी है दोस्तों। ओह माय गॉड, देखिए पूरी तरह से ये रेड हो चुकी है। और इस बार मैं लाइट को भी ऑफ करने वाला हूं और फिर देखते हैं कि लाइट को ऑफ करने के बाद किस तरह से इसका नज़ारा दिखता है। तो आइए सबसे पहले मैं लाइट को ऑफ करता हूं। तो लाइट को ऑफ करने के बाद आप देख ही रहे हैं कि इस आयरन के कॉइल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गई है कि कोयले की आग की तरह पूरी तरह से लाल हो गई है दोस्तों। यानी कि इसके ऊपर कुछ भी हम रखेंगे तो ये अभी तुरंत ही जल जाएगा दोस्तों। तो आइए मैं एक पेपर को रख कर देखता हूँ कि इस पेपर को क्या हाल होता है। तो देखिए गाइस इस पेपर के अंदर में तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ चुकी है दोस्तों। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं भी हो गया है। और देखिए ओ माय गॉड, बहुत ही जल्दी इसमें आग लग गया है दोस्तों। और देखिए प्लग झपकते ही इस पेपर को पूरी तरह से खाक में मिला दिया है।
माय गॉड, तो आप जान ही गए हैं कि आयरन के कॉयल में कितना ज़्यादा पावर होता है दोस्तों। और आयरन के कॉयल में ज़्यादा पावर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी में पावर होता है जो दोस्तों। लेकिन आयरन की जो कॉयल है उसमें हीट होने की क्षमता, इसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो आइए अब मैं इस आयरन की कॉयल को हम ऑफ करते हैं। ये सब करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ये सब करने के लिए आपका भाई है ना। मेरा क्या, आई थिंक कि मेरा ना सिर्फ में एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं इसी के लिए तो पैदा ही हुआ हूँ। तो देखिए ये पूरी तरह से फिट हो चुकी है। तो गाइस हीट इतना ज़्यादा निकल रहा है कि इससे कुछ भी पक सकता है दोस्तों। तो आइए, मेरे पास एक अंगूर है, मैं उसे पका के देखता हूँ और खाता हूँ अंगूर को दोस्तों। ये देखिए अंगूर है, हम इसके ऊपर में अंगूर को रखते हैं और गाइस ये देखिए पक रही है अंगूर। तो आप जान ही रहे हैं कि ये पूरी तरह से हीटर की तरह काम कर रही है। ये अंगूर पूरी तरह से हीट हो चुकी है, देखिए इससे इसमें पानी भी बबल हो रही है। देखिए गाइस वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुकी है दोस्तों। तो आइए अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। ये देखिए अंगूर बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुकी है और इसका जो स्वाद भी बढ़ गया है दोस्तों। देखिए इसमें खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर अंगूर को हीट करके खाते हैं दोस्तों तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। आप जानते होंगे कि आयरन में आखिरकार करंट क्यों नहीं आता है। करंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि कॉयल के ऊपर में एक लेयर लगा हुआ होता है माइका का, और उसके नीचे भी एक लेयर लगा हुआ होता है माइका का, इसीलिए आयरन में करंट नहीं आता है दोस्तों। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।